हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी बस गुवाहाटी। मैं मंजीत। आज आप लोगों को मैं इनकम टैक्स फॉर्म 15G कैसे फिलअप करते हैं इनकम टैक्स का, वो मैं बता रहा हूँ। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप गूगल में आपका फॉर्म 15G इजीली मिल जाता है, वो आप चेक कर सकते हैं कैसे डाउनलोड करना है ये फॉर्म 15G। मैं आपको दिखा रहा हूँ डेस्कटॉप में। ये फॉर्म 15G टाइप करने से आपको ये एक्चुअली ईजिली अवेलेबल है, तो PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। सो ये फाइल करना पड़ता है आपको जो PF ये विड्रो के लिए, आप ये फिलअप करना ज़रूरी है। सो फॉर्म 15G के लिए आपको इस फॉर्मेट में आपको PDF में सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो इसके लिए आपको गूगल में इजीली मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। उसके बाद PDF फॉर्मेट में जो फर्स्ट पेज है फॉर्म जो Part 1 है उसको फिलअप करना है। सो कैसे फिलअप करना है वो मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। नीचे मैं आपको दिखा दूँगा क्या क्या यहाँ पे डाटा आपको फिलअप करना है। सो ज़्यादा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे मैं पहले से भर के रखा हूँ, मेरा डेस्कटॉप में मैं सेव करके रखा हूँ, तो वहाँ से आपको दिखाता हूँ। सो अगर ये वीडियो मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसके पीछे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका PF का विड्रो फुल वीडियो बना के आपको दिखाने वाला हूँ। सो ये रहा इनकम टैक्स का जो 15G फॉर्म है, इसमें क्या क्या भरना पड़ता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको पहले नंबर 1 से नंबर 19 तक आपको फिलअप करना है पूरा डिटेल सबका। सो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे आपको आपका पहले आपका नाम भरना है यहाँ पे। सो यहाँ पे नेम ऑफ द असिस्ट है, यहाँ पे आपका जो सॉरी आपको पहले नंबर 1 में नाम भरना है। सो नंबर 2 में आपका पैन भरना है, पैन नंबर, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन में आपका स्टेटस हो गया आपका इंडिविजुअल, जो भी आपका अभी विड्रो कर रहे हैं वो इंडिविजुअल में विड्रो होगा, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल डालना है, ठीक है। नंबर 4, सो नंबर 4 में आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रीवियस ईयर, अभी 2020 में अक्टूबर में आपको अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बारे में पूछ रहा है। तो प्रीवियस ईयर हो गया, मार्च एंडिंग हो गया 31st 2019 में, मार्च एंडिंग हो गया 2020 में हो गया, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर मतलब 2019 में डाल रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट हो गया रेसिडेंशियल एड्रेस स्टेटस, तो यहाँ पे हम लोग इंडियन है तो रेसिडेंट डालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है आपका फ्लैट नंबर, बोर्ड नंबर अगर है तो डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट हो गया 7 में नेम ऑफ प्रीमाइसेस, सो आपका यहाँ पे आपको डालना है आपका जो होम एड्रेस है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस होगा वो डाल दीजिए, मैं अपना एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, 11, 12 तक सेम है, आपका एड्रेस ही फिलअप करना है यहाँ पे। नंबर 8 में रोड और नंबर 9 में आपका जो एरिया लोकेलिटी है, नंबर 10 में आपका डिस्ट्रिक्ट टाउन सिटी जो भी है, नंबर 11 में आपका स्टेट, नंबर 12 में आपका पिन नंबर डालना है, ठीक है। ये सब अपना एड्रेस ही डालना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो नंबर 13 में आपका ईमेल एड्रेस डालना है, नंबर 13 में आपका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जो भी है। नंबर 14 में आपका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए जो आप यूज़ कर रहे हैं कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। और नंबर 15 में आप अगर इससे पहले कुछ टैक्स फाइल किया हो तो यहाँ पे यस नो करना है, अगर फाइल किया है तो यस, अगर नहीं किया है तो नो डालिए, अगर किया है तो इसमें कौन सा ईयर में फाइल किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। किया तो नो। और नंबर 16 में है आपका एस्टिमेट, आपका वो कितना इनकम हो रहा है, जो डिक्लेरेशन आप भर रहे हैं कितना इनकम के लिए भर रहा है वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। मैं इसे 34,000 डाल दिया आपको दिखाने के लिए जस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये अमाउंट डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो पूछा जा रहा है कि एस्टिमेट इनकम आपका टोटल इनकम कितना हो रहा है ईयरली, मतलब पर ईयर। सो यहाँ पे आपका जो नंबर जो अमाउंट भरेंगे वो नंबर 16 को जोड़ के डालिए, आपका सैलरी जितना है उसको into 12 करके प्लस यहाँ पे नंबर 16 में जितना अमाउंट अप्लाई कर रहे हैं वो अमाउंट
यहाँ पे एक साथ डालना है, ठीक है। अगर मेरा एनुअल मंथली इनकम 10,000 है या 20,000 है, इनटू 12 करके और नंबर 16 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। नंबर 18 में आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपने कुछ इससे पहले फाइल किया है टैक्स के लिए, 15G फाइल किया है, कितना फाइल किया है वो पूछा जा रहा है। अगर किया है तो यहाँ पे हाँ यस नंबर 1, 2 करके आप भर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग VF के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नहीं कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ठीक है। अगर किया है तो यहाँ पे नंबर 1 कौन सा ईयर में डाला है वो डालना है। नंबर 19 में आपको डिटेल्स ऑफ इनकम व्हिच इज दिस डिक्लेरेशन मेड, मतलब आप ये फॉर्म किस लिए फिलअप कर रहे हैं। जैसे कुछ होता है बैंक के लिए, बैंक का काम के लिए, हम लोग अभी कर रहे हैं PF के लिए। सो यहाँ पे आपका PF का UN नंबर डाल सकते हैं या तो कंपनी का जो PF नंबर है वो डाल सकते, कंपनी का मीन्स आपका कंपनी से जो अलॉटमेंट किया है नंबर वो डाल सकते हैं, और यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम PF विड्रॉ, ठीक है। हम PF विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे PF विड्रॉ लिख दीजिए। फिर यहाँ पे सेक्शन अंडर टैक्स डिक्लेरेशन, मतलब आप कौन सा सेक्शन के लिए फिलअप कर रहे हैं। अगर PF विड्रॉ है तो यहाँ पे 192A आएगा, ठीक है। अगर कुछ बैंक का करंट कर रहे तो 194 आएगा, ठीक है। और टोटल इनकम यहाँ पे अमाउंट भरना है, सो ये नंबर 16 में जो है वही डाल दीजिए। फिर आपका सिग्नेचर यहाँ पे देना है, ठीक है। सो ये सब आप प्रिंट करके ये फिलअप कर सकते हैं या तो PDF में आपको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये डिक्लेरेशन भरना है वेरिफिकेशन के लिए। सो यहाँ पे आपका नाम भर दीजिए, नेक्स्ट आपका ईयर एंडिंग हो रहा है, कौन सा ईयर एंडिंग हो रहा है, ये मार्च 2020, 31 मार्च अगर 2020 में कर रहा है तो इससे पहले का दीजिए। फिर यहाँ पे असिस्मेंट ईयर पूछा जा रहा है तो जो करंट ईयर है वो 2020-2021 कर दीजिए, अगर इस साल भर रहा है तो मार्च के बाद, ठीक है। और ये फिर दो बार भरना पड़ता है यहाँ पे, फिर दो बार मीन्स ये डिक्लेरेशन के लिए। फिर यहाँ पे एंडिंग ईयर पूछा जा रहा है, वो सेम होगा ऊपर में जैसे भरा, फिर यहाँ पे भी असेसमेंट ईयर भी वहाँ सेम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको प्लेस पूछा जा रहा है, प्लेस कौन सा प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने गुवाहाटी डाल दिया, मेरा प्लेस है। और यहाँ पे कौन सा डेट में फाइल किया वो फाइल भर दीजिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर फिर देना है, बस इतना ही है। और इसको फिलअप करके आप प्रिंट करके अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका साइज 1 MB से नीचे नहीं होना चाहिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। सो नंबर पार्ट नहीं, 2 नंबर पार्ट नहीं भरना है आपको, ना पार्ट 1 ही भरना है, यही काफ़ी है। जो हम लोग बेनिफिट्स, जो टैक्स बेनिफिट के लिए हमको यही फॉर्म फिलअप करना है, पार्ट 1 फॉर्म 15G का पार्ट 1, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए। सो कुछ आपका डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।